हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड यू आर इन वेलकम टू ममताज किचन। तो देखिए, आज हम लोग बना रहे हैं रोस्टेड चिकन। तो इसके लिए मैंने 4 लेग पीस चिकन के लिए हैं ये तो तैयार किया हुआ, आपको दिखा रही हूँ। अब चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 लेग पीस लिए हैं चिकन के, और अब इसको इसमें बीच बीच में ऐसे मैं कट के मार्क्स लगा दूँगी, ताकि जो भी मैं इसमें मैरिनेशन करूँ वो इसमें अच्छे से अंदर चला जाए और इसका टेस्ट जो है बहुत बढ़िया आएगा इससे कट लगाने से। तो ऐसे ही मैं 4 पीसेस पे कट लगा लूँगी। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए, बेल का बटन भी दबा दीजिए, और क्या कहते हैं आगे घंटी का जो बटन के आगे ऑल लिखा है उसको भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले आगे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिल सकें। तो देखिए, मैंने चारों को जो है ऐसे कट मार्क्स में लगा रही हूँ, और उसके बाद जो है इसको मैरिनेट में करूँगी। इससे जो है बनता, इसका जो टेस्ट है वो पूरा अंदर तक इसमें समा जाता है सारे मसालों का, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो अभी मेरे 4 पीसेस जो हैं में कट लग गया है, तो आइए चलिए हम लोग इसको मैरिनेट करते हैं। और इसमें देखिए मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो इस लॉकडाउन में आप लोग इसको घर पर ही बनाइए, बाहर तो मिल नहीं रहा चिकन इस समय, तो घर पर बनाइए, और घर की चीज़ों से ही आप इसको बना सकते हैं, ज़्यादा सामान आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, 4 पीसेस को मैंने एक बाउल में डाल दिया है। तो अब मैं इसमें एक एक करके मसाले डालूँगी अपने मैरिनेट करने के लिए। तो ये मैंने देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये करीब 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाला है। ये मैंने मार्केट वाला डाला है, आप चाहे तो घर का भी डाल सकते हैं। तो ये मार्केट वाला बिल्कुल पतला पिसा हुआ होता है, तो मैंने 1.5 चम्मच ये डाला है। और फिर मैंने इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, नमक डाला है, आप टेस्ट के हिसाब से अपने जैसा पसंद करते हो उस हिसाब से आप डाल दीजिए। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, हल्दी बिल्कुल कम डालती है। और फिर ये मैंने थोड़ा गरम मसाला डाला है इसमें। अब इन सब को जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो है ये देखिए, थोड़ा नींबू का रस डाला है मैंने, 1-2 चम्मच नींबू का रस भी आप इसमें डाल दीजिए। और फिर सबको मैं हाथों से मैश करूँगी, ताकि जितने भी मसाले थे जो मैंने कट्स मारे थे उसमें अच्छे तरीके से चले जाएँ अंदर, और अच्छे से हमारा चिकन मैरिनेट हो सके। तो मैंने देखिए हाथों से ही इसको इसमें अंदर भरा है मसालों को, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और फिर मैं इसको ढक करके करीब 1/2 घंटा के लिए साइड में रख देती हूँ, फिर मैं इसको खोलूँगी बाद में। तो देखिए 1/2 घंटा हो गया है, मैंने इसको खोल लिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा, 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें मैदा डाला है, ताकि इसको थोड़ी सी बाइंडिंग मिल सके। और 1 चम्मच मैंने इसमें अरारोट डाला है। और फिर मैंने जो है इसमें जो है 1 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाली है। तो इसको फिर अच्छे से मिलाएंगे, ऐसे चम्मच से मैं मिला रही हूँ इसको। इससे जो है थोड़ी सी मैदे और अरारोट से थोड़ी सी चिकन के ऊपर क्रिस्पनेस आ जाएगी, क्योंकि मैं जो हूँ इसको उटीजी में बनाऊँगी, तो थोड़ा सा क्रिस्प हो जाएगा इसको। फिर मैंने इसको ढक के रख दिया है थोड़ी देर। अब मैंने इसको फिर खोलूँगी, और इसमें उसके बाद जो है मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, वो जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो डालूँगी, जिससे कि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। अभी तक इसमें कलरफुल नहीं लग रहा था हमारा चिकन, कलर के लिए आप ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, और मैंने खाने वाला रंग नहीं डाला है इसमें, आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं इसमें। तो बस अभी हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है। अब हम लोग इस जो है इसको 15-20 मिनट के बाद, देखिए मैंने खोला है, बिल्कुल अच्छा सा कलर इसमें आ गया। और अब मैं इसको OTG में बनाऊंगी। तो OTG की ग्रिल को मैंने ये प्री हीट कर लिया था 5 मिनट के लिए, और इसलिए अब मैं इसमें सारे अपने 4 चिकन के पीसेस लगा दूँगी, और इसको 10-15 मिनट के लिए आप इसको बनने के लिए इसको आप OTG में छोड़ दीजिए ग्रिल पर। और उसके बाद मैं इसको खोलूँगी और आपको दिखाऊँगी कि कितना बढ़िया चिकन बन के हमारा तैयार हुआ है। और बीच में एक बार खोल के थोड़ी सी इस पर ऑयल की ब्रश कर देंगे बस, उसके बाद जो है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। हमारा जो है चिकन बनकर बिल्कुल लेग पीस रेडी हो जाएंगे, रोस्ट हो जाएंगे बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। देखिए ये मैंने निकाल लिया है, और मैंने इसको कटे हुए प्याज और धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। तो ठीक है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, बाय एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।